आज देश भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। आपको बता दें कि सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। आज पूरे विधि विधान के साथ शिव बारात निकलेगी और इसे लेकर रांची के पहाड़ी मंदिर और बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर समेत विभिन्न मंदिरों में विशेष तैयारी की गई है। गया का बोध गया मठ भगवान शिव की आराधना साधना की स्थली है। यहाँ एक साथ 19 शिवालय हैं और एक बड़ा शिवालय है। सभी शिवालय और शिवालय में शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग काफी प्राचीन काल से है और प्राचीन काल से ही शिव भक्त यहाँ रहा करते थे। तब भ्रमण कर धन संग्रह होता था और धन संग्रह कर मंदिर बनाए जाते थे। यहाँ बने शिव मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ एक नहीं बल्कि 19 शिव मंदिर है और एक बड़ा शिवालय भी है। 19 शिवालय और एक बड़ा शिवालय है जिसमें सभी में शिवलिंग स्थापित है। शिव की साधना स्थली है जी, ये भगवान शिव की साधना स्थली है। जो आदिगुरु शंकराचार्य है वो भी भगवान शिव के ही एक वंशज थे, उनके ही अवतार थे। और ये जो है परंपरा आदिगुरु शंकराचार्य की परंपरा के नाम से प्रसिद्ध है बोधगया मठ। और यहाँ पर सन्यासी गण भी भगवान शिव की आराधना ही करते हैं और भगवान शिव का ही मंत्र का जाप करते हैं। और जब वो पंचभूत शरीर में विलीन होते हैं तो उनकी एक समाधि की निर्माण होता है और उस समाधि में शिवलिंग की स्थापना होती है। तो वैसे ही कल पर्व महाशिवरात्रि का है तो हम लोग भी यहाँ पर जो है अपना शिवालय है जो संतों द्वारा बनाया गया है उसमें कल शिवरात्रि हम लोग बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, धामधूम से मनाते हैं। कई सैकड़ों भक्त भी आते हैं, उसमें रुद्राभिषेक भी होता है। बिहार में एक जगह इतने शिवालय नहीं है, इतने शिवलिंग नहीं है। जी बिल्कुल, बात सत्य है कि बिहार में इतना शिवलिंग एक साथ में नहीं है। यहाँ पर 19 शिवालय। देवादिदेव महादेव की नगरी में महाशिवरात्रि के अवसर पर लगने वाले एक माह के मेले में नया विवाद हो गया है। इसको लेकर दुकानदारों में काफी आक्रोश व्याप्त है, जिस वजह से महाशिवरात्रि के दिन ही मेले का दुकान नहीं खुलने वाला। और आपको बता दें कि महाशिवरात्रि मेला के उद्घाटन के से पहले ही विजय प्रकाश मीना का फरमान जारी हो गया और देर रात ही एसडीपीओ धीरज कुमार सिंहेश्वर मेला पहुंचकर थिएटर और मारुति सर्कस को बंद करवाने का आदेश दिया, जिसके बाद दुकानदारों में आक्रोश देखा जा रहा है। बंद रहेगा पूरा दुकान, बंद रहेगा। इधर आरा में महाशिवरात्रि के अवसर पर आरा के सदर अस्पताल में, आपको बता दें कि न्यू मॉडल बिल्डिंग में शुक्रवार ओपीडी के सभी विभागों को पूर्ण रूप से शिफ्ट कर दिया गया। न्यू मॉडल बिल्डिंग में ओपीडी शिफ्ट होने से मरीजों और उनके परिजनों को इलाज करने में काफ़ी सहूलियत पहुंचेगी। इसके साथ ही सुबह से ही न्यू मॉडल बिल्डिंग के ओपीडी में सभी विभागों में इलाज करने को लेकर लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं और सभी डॉक्टर भी मरीजों के इलाज करते नजर आए। दरअसल कुछ माह पहले ही बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इस न्यू मॉडल बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। आरा वासियों के लिए एक तो महाशिवरात्रि के पर्व पे मैं सबको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। इस पर्व के शुभ अवसर पे हमारे आरा को एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है गवर्नमेंट के द्वारा। इतना साफ सुथरा हॉस्पिटल मिला है कॉरपोरेट लाइफ कि हम लोग के लिए बड़ा गर्व की बात है। और दो ही रिक्वेस्ट करेंगे आरा वासियों से कि पान पड़ा गुटका जो खा करके इतना सुंदर बिल्डिंग है वो आपका धरोहर है, उसको साफ रखने में आप लोग भी मदद करें, इधर से उधर फेंक ना करें। और दूसरी बात, किसी तरह की कैजुअलिटी कभी भी होती है, कोई डॉक्टर नहीं चाहता है कि उसका पेशेंट किसी तरह का नुकसान उसको हो, तो तोड़ फोड़ की जो घटनाएं होती हैं ना, तो गवर्नमेंट एक बार बना सकता है, बार बार नहीं बना सकती। तो हम लोग का धरोहर है, आपका धरोहर है, इसको हम लोग साफ सुथरा और लंबे समय तक रखने में मदद करें आप। आरा वासियों के लिए